जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। क्या सच में धनंजय धड़कन के बारे में बड़ा न्यूज चैनल वाले धनंजय धड़कन के बारे में कोई न्यूज बनाया है, या धनंजय धड़कन का कोई गाना अपने न्यूज के जरिए दिखाया गया है? दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी YouTube चलाते होंगे तो शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सजेस्टेड में YouTube के सजेस्टेड ऑप्शन में आप लोगों को धनंजय धड़कन के बारे में कहीं ना कहीं ऐसा पोस्टर आप लोगों को सामने में दिखा होगा, या ऐसा वीडियोस आप लोगों को सामने में दिखा होगा जिसमें धनंजय धड़कन बड़ा न्यूज चैनल में जा चुके हैं या उसके बारे में न्यूज बनाया है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ऐसा पोस्टर आप लोगों के सामने में आया होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि आखिर उस सब वीडियोस का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों आखिर हम आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू या धनंजय धड़कन के न्यूज के बारे में हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, इस बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोग समझ पाइएगा कि हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारा वीडियो रेगुलर देखते हो तो शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बातें पता होगा कि हम आप लोगों के बीच रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। रेगुलर वीडियो अपलोड तो कर देते हैं लेकिन किसी दिन मिस हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप लोगों को पता है? कंटेंट। अब दोस्तों हम कंटेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के देखिए थोड़ी सी लंबा कहानी, आप लोग ये थोड़ा सा सुनिएगा जरूर। दोस्तों कहीं ना कहीं हम आप लोगों के बीच एक सच्ची खबर को लेकर, एक सच्ची धनंजय धड़कन के बारे में हर एक अपडेट, हर उस गाने के बारे में अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो एक्चुअल में रियल हो, ये चीज हम आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों के बीच कभी कभी वीडियो नहीं दे पाते हैं, तो मेरे पास कंटेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम आप लोगों के बीच वीडियो रेगुलर नहीं दे पाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो खोजते हैं, यानी कि आज अपलोड किया तो शाम में भी करना है, और शाम में अपलोड किया तो सवेरे में भी करना है, और सवेरे अपलोड किया तो फिर शाम में भी करना है। तो इस तरह का प्लान बना लेते हैं वो लोग कि इस तरह से वीडियो अपलोड करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए, न्यूज मिले या चाहे ना मिले, या कंटेंट मिले या चाहे ना मिले। तो इस तरह का जो वीडियो आप लोगों के सामने नजर आते हैं, कभी कभी न्यूज चैनल वाले, तो कभी कभी सलमान खान के साथ, तो कभी कभी उस हीरोइन के साथ, आप लोगों की ये सब जो न्यूज पहुंचता है ये बिल्कुल फेक वीडियो होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। तो लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इसके पीछे हम भी वीडियोस बनाए थे। जब एक बार धनंजय धड़कन न्यूज पेपर में आए था तो शायद आप लोगों को पता होगा कि वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जो था उनके साथ जब था तो न्यूज पेपर में आया था, तब वो हम भी वीडियो बनाए थे उसके पीछे। तो आप लोगों को शायद अगर रेगुलर वीडियो देखते हो शायद आप लोग देखे होंगे। लेकिन तो वो बात सच था कि हाँ न्यूज़पेपर में आया था, तो इसके बारे में वीडियोस बनाना ये बात सही है। लेकिन दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो भाई फेसकैन वीडियो बनाते हैं ना तो वो आप लोगों को एक सच्ची खबर ही देगा, झूठी खबर नहीं देगा, नहीं तो आप लोगों उनको पहचाने जाएंगे तो दोबारा उसका वीडियो नहीं देखोगे। जो अगर फेसकैन वीडियो बनाते हैं हमारी तरह फेसकैन वीडियो बनाते हैं वो, क्योंकि कई सारे भाई लोग ऐसे हैं जो वॉइस ओवर वीडियोस बनाते हैं जिसमें अपना शक्ल नहीं दिखाता है, किसी फोटो को लेकर अपना वीडियोस बना दिया, वॉइस ओवर कर दिया, कुछ भी बोल दिया, आप लोगों को वीडियो तुरंत यूट्यूब पर अपलोड कर देगा और वो वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो वॉइस ओवर करते हैं ना वो भाई लोग फेक वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को सबूत नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम यूट्यूबर हैं और वो लोग भी यूट्यूबर हैं, तो एक आपस में कुछ आप लोग समझ ही सकते हो, इसलिए हम आप लोगों को सबूत नहीं दिखाते, नहीं तो ब्लर करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ सबूत, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो मेरे सामने में ऐसा वीडियोस नजर आया था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों से बात कर लेना जरूरी है ताकि आप लोग भी ऐसे फेक वीडियोस के चक्कर में कहीं आपका टाइम बर्बाद ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें को समझ में आ गया होगा कि आखिर हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते थे। तो दोस्तों मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में भी जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है, या आप लोग हमारी बातें को समझ पाए हो, या अगर आप लोगों को हमारी बातें सच लगा, तो प्लीज इस वीडियो को, हमारी मेहनत को सफल करने में, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों अगर आप लोग सच्ची खबर सुनना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।